सर झांसा दिया गया था कि टाइम मशीन है, उससे आप लोग हेल्दी हो जाएंगे, आप सबके सेल्स जो हैं वो बहुत एक्टिव हो जाएंगे, और इस तरीके से कह के उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम हम लोगों से लगवा ली। मेरे कम से कम 2 लाख के आसपास। यहाँ पर इंडिया की असेंबल की हुई मशीन थी, और जब वो लोगों ने पहली बार बैठे तो कुछ अंदर प्रॉब्लम हो गई थी और किसी प्रकार का कोई केमिकल उनके अंदर चला गया था, तो हम लोग इतना डर गए कि हम लोग उसके बाद फिर उस मशीन में नहीं बैठे, क्योंकि वो इंडियन मशीन थी, इसराइल मशीन नहीं थी। किसी का 90,000 गया, किसी का 10,000 गया, किसी का जिसका जिसका लगा था पैसा, सबका पैसा डूब गया। कुछ पता नहीं कहाँ है गायब। हाँ, इस समय फरार हो गए हैं। मशीन में आप बैठे थे? नहीं, हम नहीं बैठे, बस दूर से देखा मशीन को, वो डुप्लीकेट मशीन थी, हमें डर लग रहा था, देखी कि अंदर बैठने का सवाल ही नहीं उठता। जवान होने की चाहत हर एक में होती है, नौजवान रहने की ख्वाहिश हर एक दिल में उफाने मारती है। शायद इसीलिए दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां जवानी के प्रोडक्ट बेचने के लिए हमेशा आगे रहती हैं, लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में अब जवानी को ठगों ने भी अपना हथियार बना लिया है। कानपुर में ही ऐसे एक ठगे दंपत्ति राजू दुबे और उनकी पत्नी रश्मि पर आरोप लगा है कि उन्होंने इसराइल, जिसके हथियार अभी तक मशहूर होते थे, अब इसराइल की एक मशीन कानपुर में लाए कर उसका दावा किया गया कि इस मशीन में जो भी बैठेगा वो नौजवान हो जाएगा, 65 साल का बूढ़ा भी 25 साल का युवा हो जाएगा। और इसी चक्कर में आप देखिए, इस समय हम आपको दिखा रहे हैं DCP पुलिस कानपुर का ऑफिस है, और उसके नीचे ये लोग खड़े हैं। ये उसी इसराइल की जवान होने वाली मशीन के झांसे में आकर अपना लाखों रुपया गंवा चुके हैं, परेशान हैं, हफ्तों से घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी रिपोर्ट नहीं हुई। एक उस मामले में एक रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, लेकिन इनकी अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। हम इन लोगों से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम, पहले इधर जाते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रजनी बाली जी। क्या है, क्या झांसा दिया गया, कैसे फंसा गया? सर झांसा दिया गया था कि टाइम मशीन है, उससे आप लोग हेल्दी हो जाएंगे, आप सबके सेल्स जो हैं वो बहुत एक्टिव हो जाएंगे, और इस तरीके से कह के उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम हम लोगों से लगवा ली। मेरे कम से कम 2 लाख के आसपास। तो कितने लोगों को पैसा गया होगा? काफ़ी, जो जो आए सबका गया, जो जो लोग आए। मशीन में, उस मशीन में आप बैठी? नहीं, मैं तो कभी नहीं बैठी। उसका रीज़न ये है कि मेरे साथ के जो लोग थे वो मशीन में बैठे थे, और मशीन इजरायली मशीन नहीं थी, यहाँ पर इंडिया की असेंबल की हुई मशीन थी, और जब वो लोगों ने पहली बार बैठे तो कुछ अंदर प्रॉब्लम हो गई थी और किसी प्रकार का कोई केमिकल उनके अंदर चला गया था, तो हम लोग इतना डर गए कि हम लोग उसके बाद फिर उस मशीन में नहीं बैठे, क्योंकि वो इंडियन मशीन थी, इसराइल मशीन नहीं थी। देखिए, जवान होने की चाहत में अपना लाखों रुपया गंवा चुके हैं, इसे दूसरे सच्चा हैं। क्या नाम है सर आपका? कैसे आप? सुनील बाली। कैसे आज? बस यही बोला गया था कि आपकी मतलब इसको कराएंगे, आप हेल्दी हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और कोई बीमारी नहीं लगेगी, इस वजह से हमने 90,000 रुपये लगाए। बाली साहब, कितनी उम्र है आपकी? हमारी है 45। तो मशीन सक्सेस होती तो आप हमसे 20 साल के हो जाते हैं ना? शायद नहीं, उन्होंने जो हमको वीडियो वगैरह दिखाए थे वो ओरिजिनल थे, उन्होंने बताया रेखा, टाइगर श्रॉफ वगैरह सब ये लेते हैं, तो इस वजह से आप भी लीजिए। और यहाँ पे डॉक्टर ग्लोबस हॉस्पिटल में मशीन लगी है, तो उनको प्रमोट कर करके उन्होंने हम लोगों से पैसा ऐंठा। कितना पैसा गया आपका? हमारा लगभग, दो लोगों ने, हमारी और हमारी वाइफ का, लगभग 1,80,000 गया है, और हमारे जान पहचान के कई लोग हैं जिन्होंने मतलब देख के और सुन के, उनसे बातचीत करने के बाद अपना पैसा लगाया है। एक शख्स और है यहाँ पे, क्या नाम है सर आपका? अशरफ खान। अशरफ, कितनी उम्र है आपकी? 46। तो आप इसमें झांसे में कैसे आए? अरे बस ऐसे ही बताया गया सर कि ये मशीन है, इजरायली मशीन है, और आपके सेल्स को रिजनरेट कर देगी, जिससे आपकी बॉडी में फायदा होगा, और जो सेल्स डैमेज होते हैं उसको रिजनरेट कर देगी। बस इसी चक्कर में आकर आ गए यहाँ पर। 60,000 रुपये। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित वर्मा है। अमित वर्मा, कौन थे जो उन्होंने आपको ठगाया, क्या नाम है? सर इनका नाम राजीव दुबे है, और इनकी लगभग 3 घंटे का सेशन चला था सेमिनार का, जिसमें कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि हमने और भी गूगल किया था कि ये चीज़ रियल है, कि वाकई बहुत सारे लोग अपनी सेल्स जनरेट करके, सेल्स रीजनरेट करके अपनी एजिंग कम कर रहे हैं, एजिंग बढ़ा रहे हैं। तो हमने ये इस तरीके से जो है ये अपना कार्ड भी बनाया था, और लोगों को हमने बताया भी था कि इन इन बीमारियों पर ये कवर करता है, तो बहुत सारे लोग हमारी बात को माने, क्योंकि उन्होंने भी गूगल किया और उन्होंने भी पैसे लगाए। कितने लोगों का आपने पैसा लगाया, कितना गया पैसा? टोटल मिलाकर जो है 80,000 रुपये गया। कोई FIR रिपोर्ट हुई आपकी अभी? नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं है, और ना वो पकड़े गए, ना उनका फोन से ऑन हो जा रहा है, स्विच ऑफ जा रहा है। इस मामले में पहली रिपोर्ट डॉक्टर उन्होंने रिटर्न कराई थी, उसमें अभी उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है सर, कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग परेशान हैं कि कैसे हो सकता है ये सही।
सर आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, कितना पैसा आपका गया और कैसे गया, कैसे? मेरे द्वारा और मेरा लगभग मिलने वालों के साथ लगा के कोई लगभग 7-8 लाख रुपए के आसपास गया हुआ है। और इन्होंने ये बताया था कि ये इजरायली मशीन है, और मेन बात एज कमने कम करने की बात नहीं थी, बात ये थी कि वो सेल्स रीजनरेट करने के लिए बात कर रहे थे। कभी किसी की एज नहीं कम होती, लेकिन सेल्स हाँ। और उन्होंने बोला कि जो क्रिकेटर हैं ये इंजरी होती तो वो इंजरी में, हाँ ये बात हकीकत है। कई न्यूज़ चैनल के उन्होंने वो भी दिखाया था, हम लोगों को वीडियोज़ दिखाया था। और उसमें जब इसका उद्घाटन हुआ था तो किस शहर के कौन कौन से हस्तियाँ आई थी? बड़े लोग आए थे काफ़ी? बड़े लोग तो नहीं कोई आए थे, लेकिन हम ही और आप लोग सभी जैसे लोग। कितने लोग ठगे गए हैं? लगभग 1000 के आसपास होंगे और ऊपरी होंगे, मतलब सबको 6-6 हज़ार रुपए बता के बोले ये 6000 का आप अभी रख लो, बाद में से ब्लैक करके इसके जो वेटिंग रहेगी कम से कम 2-2 साल वेटिंग रहेगी, और मतलब इसका अभी आने वाला बूम होगा, एकदम बूम। जो जब ठगे गए हैं इस पे कोई रिस्पांस प्रशासन का कुछ हुआ? अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं हमें दिख रहा है, बस केवल ये मान लेते हैं कि जो इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं कि मतलब वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो मेरे हिसाब से अभी हो नहीं पा रहा है। अच्छा, उसके कारण अग्रिम जमानत शायद आ गया था, खारिज हो गई क्या? जी इधर से तो खारिज हो गई है, अब वो हो सकता है हाई कोर्ट पे जाए, हाई कोर्ट में भी शायद खारिज। जी जी, एक शख्स और है यहाँ पे, इनसे खड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक जी, कैसे ठगे गए, क्या हुआ? जिस तरह सभी लोग ठगे गए वैसे मैं भी ठगा गया, मुझे भी बताया गया कि अब हमारे भी कुछ मिलने वाले थे, उन सबको बुलाया बताया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने भी सेहत को मतलब उसमें रखते हुए प्रायोरिटी पर रखते हुए उन्होंने भी पैसा लगा दिया, किसी का 90,000 गया, किसी का 10,000 गया, किसी का जिसका जिसका लगा था पैसा सबका पैसा डूब गया, कुछ पता नहीं कहाँ है गायब। हाँ, इस समय फरार हो गए हैं। मशीन में आप बैठे थे? नहीं, हम नहीं बैठे, बस दूर से देखा मशीन को, वो डुप्लीकेट मशीन थी, हमें डर लग रहा था, देखी के अंदर बैठने का सवाल ही नहीं उठता। पैसा लेकिन चला गया सब, पैसा लेके सब चला गया, भाग गए, अब ढूंढे नहीं मिलने कहाँ गए। पुलिस कुछ कर रही है? अब पुलिस में तहकीकात तो कर ही रही है, अब देखो क्या होता है। तो ये देखिए, जवानी के होने के सपने, जवानी में लोग कहते हैं पैसा कमाया जाता है, बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन ये देखिए आज के नौजवान की नई सोच कि लोग जवान रहने के लिए अपने बुढ़ाई की उस कमाई, बुढ़ापे की उस कमाई को भी लुटा चुके हैं। अब ये लोग यहाँ पुलिस ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं दसियों दिन से, लेकिन पुलिस ने अभी तक न राजीव दुबे को पकड़ा है, न उनकी पत्नी को पकड़ा है, और जबकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 35 करोड़ से ज़्यादा रुपया लेकर वो दोनों ठग दंपत्ति फरार हो चुके हैं। जानकारी ये भी है कि आज शायद उनकी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी थी वो खारिज हो गई है।